Hi everyone, welcome back to my channel. This is Sakshi Dhanjal. और मैं बहुत देर से सोती रह गई. सो आई थॉट कि कहीं ना कहीं डेली व्लॉग स्टार्ट करने चाहिए नियर बाई प्लेसेस के, एंड आई एम हेयर इन अम्बाला. सो आई एम गोना शो यू लोकल अम्बाला टुडे. और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना. लेट्स गो. सो आज नाश्ते में मुझे मिला खाने को परांठे, जूस, एंड दिस इज घर का लाइक मक्खन, एंड दैट इज चटनी, एंड सारा कुछ प्रिपेयर करा आज राकेश ने. ना राकेश, तुमने प्रिपेयर कराना आज सब कुछ. देखो गाइस, अमीरों के घर का पंखा. मैं को नहीं पता पंखे ऐसे भी होते हैं. ये स्मार्ट है, मगर इसमें कितने विंग्स होंगे? तीन ही है गाइस. इमेजिन करो आपका घर कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई दूर दूर तक रहता ना हो, ऐसी सोसाइटी हो बट कोई निकलता ना हो, और ऐसा हो तो क्या होगा. तो गाइस, मैं आई थी अम्बाला इससे मिलने, है ना, तुमसे मिलने आई थी ना मैं अम्बाला. सो ये लेके जा रहा है पता नहीं कहाँ पर इस वक्त, मुझे पता ही नहीं लेके कहाँ जा रहा है. सो लेट्स सी कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट जो भी हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, मतलब यू नो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर यहाँ के लोकल प्लेस एंड रास्ते और पता नहीं क्या क्या. बट अम्बाला में पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे ना मतलब जब आप एंटर करते हो ना मेन रोड से, तो आप ना अम्बाला कैंट में एंटर करोगे. सो आप ना पूरा मिलिट्री एरिया देखोगे, और वहाँ पे कहते हैं रफाइल्स भी रखे हैं, पता नहीं अभी अफवाह या नहीं है. बट एक चीज़ है मुझे अफवाह नहीं है, कि जब रफाइल आए थे ना इंडिया में तो कहाँ उड़ते थे आप लोगों को पता है? आगरा का जो आपने हाईवे देखा होगा ना, तो वहाँ पे रफाइल जट उतरे थे बेसिकली जब आए थे. वैसे तो पता नहीं, मुझको आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ. ये पार्क है कौन सा? नेताजी सुभाष. मुझे लग रहा है लवर्स पॉइंट है. गालियां दे रही है, सारे तो कपल्स बैठे हैं अंदर, अंदर तो पुचियां चल रही है. ये कौन सा पार्क हुआ? ये धूप में भी इन लोगों को इतना टाइम मिल जाता है कि पुच्ची करने आ जाते हैं पूरा. ये सही है यार, इनका हरियाणा है, यहाँ दिन के टाइम में ही लवर्स को टाइम मिलता है. लाल हम सागर के ढाब मतलब जूस कॉर्नर पे रुके हैं. भैया मिक्स कितने का है? कितना वाला गिलास? 80 का है. अरे गिलास चेंज का अच्छा होता है. अच्छा, मैं नहीं पता. तो फाइनली जूस मेरा. सो गाइस, हम यहाँ के चर्च पहुँच गए हैं, और आके शूट करेगा मुझको. वैसे शूट करोगे उधर के शूट करोगे. फाइनली हम चर्च के पास जा रहे हैं, यहाँ के मार्ट, जो कि मतलब यहाँ पे शॉपिंग की सबसे सस्ती जगहों में से एक है, और वहाँ पे सारे ब्रांड्स मिलते हैं. ऐसा मैंने सुना है, आगे जाके पता चलेगा कि वहाँ पे क्या मिलता और क्या नहीं मिलता. पता चले अगली बार, मतलब पिछली बार ज़ारा की तरह क्या हो कि फटे नंगे कपड़े मिले, और वो भी यू नो लिटरली आजकल मार्केट में कुछ भी बिकता है. अरे सीरियसली, आई वॉज मेरी तो डाइट घूम रही है. वहाँ पे पता क्या मिल रहा था, वो पतली से कपड़ों वाली, और वो लोग खरीद रहे थे 8,000 की एक. सो मैं आई आगे NH1 शॉपिंग मार्ट पे. यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट है बेसिकली, सो आपको यू नो कपड़े बहुत सस्ते रेट्स में मिल सकते हैं, ऐसा होता है. बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है. और ये आपको पड़ेगा अम्बाला के हाईवे पर. हाईवे पर ये तो आप जैसे डालोगे तो आपको दिख जाएगा बहुत आराम से. इनका सिटिंग एरिया सामने अंदर आते कितना सही है ना. ये राकेश, सपोज करो तुम मदर केयर में काम करते हो आउटलेट में, और सेक्सी सी मम्मा प्रेग्नेंट तुम्हारे पास आती है, फिर तुम क्या जवाब मतलब कैसे हेलो करोगे? क्या राकेश, ये क्या है? ये कोई तरीका नहीं होता. मैसेजों पे काम ऐसा पोस्ट तो करो 2 मिनट के लिए कि तुम काम करते हो मदर आउटलेट पे. ये लड़का ना नहीं सपोज कर सकता कुछ भी. पर यहाँ पे बादल कितने सही है यार तुम्हारे एरिया में. अरे कैफे बहुत सही बना हुआ है.
आर विजिटिंग हियर तो दिस इज देयर मेन्यू यहाँ की तरफ एंड यू नो मैं बिस्किट्स वाली साइड गई थी दे लुक एट देयर प्राइस आर वेरी It's not a budget friendly. If you are looking for something high, then it's a good place to sit around. And यहाँ पे पता है तुम लोगों को सारे brands मिल जाएंगे and mostly brand are with the 50% off यहाँ पे. So let's go to the next location for the day and that is having pasta. तो जहाँ मैं खड़ी हूँ ना guys, यहाँ से आपका दिल्ली is 200 किलोमीटर, चंडीगढ़ is 48 किलोमीटर, लुधियाना is 150, अमृतसर is 255. सो आज ही घर जाना है यार. आंटी वो खा रही थी, तुमने देखा, नोटिस करा आंटी क्या खा रही थी? आंटी तंबाकू खा रही थी. क्या कर रही हूँ बैठे बैठे, आंटी लिटरली तंबाकू खा रही थी. वो एक लड़का सीन था. सो खैर हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं करी क्योंकि हम लोग अभी खाली चल रहे हैं. घरों से नहीं खाली चल रहा, जेबों से खाली चल रहा है. और ऊपर से अभी पैसे आएंगे भी तो हम लोगों का कहीं और लगाने का प्लान है क्योंकि हम लोग कोई नई जगह जाने वाले हैं. इस बार राकेश लेके जाने वाला है मुझे कश्मीर. इसने मुझे बोला था कि मैं तेरे को कश्मीर लेके आया, क्योंकि कश्मीर के सपने आ रहा गए मेरे मेरे दिल के आंसू के भाग गए. अरे तो वाइन शॉप को जाने तो तुम भले बताओ तुम मुझे कश्मीर लेके कब जा रहे हो. सो गाइस हम लोग आए हैं पास्ता खाने, पनीर वाला. यहाँ पे क्या कह रहे थे तुम इनके बारे में कि इनकी कोविड में, इसकी कोविड से पहले ना ये बंदा रेडी से शुरू हुआ था. फिर इसने करी एक रेंट पे दुकान और फिर खुद की दुकान करी थी और मेन बाजार में थी इसकी खुद की दुकान. मैं कह रहा हूँ अम्बाला के कोने कोने से उठ के इसके पास पास्ता खाने आते थे, इसकी चीजें खाने आते थे, इसका फास्ट फूड, इसकी इतनी बढ़िया दुकान चलती थी. कोविड ने इसकी ले ली. दो बंदे ने पूछा, हाँ मैंने चल अच्छा ब्रोकली आपने बोला, मैम ब्रोकली तो मिली नहीं, मैं मशरूम चला तो भाई कह रहा ब्रोकली नहीं है. कह रहा यार कभी सुबह ले जाते हैं, मैं सुबह मेरे को क्या पता था मेरे कस्टमर ने क्या मांगा. आई एम नॉट श्योर इसमें कितनी कैलरीज होने वाली है, लेकिन मैं आज वैसे ही वर्कआउट स्किप कर रही हूँ कि मेरा सेकंड डे एंड विद हाई ब्लीडिंग. इसमें कितनी कैलरीज होने वाली है कि मक्खी भी अंदर घूम रही है. बता नहीं कितनी सारी कैलरी मैं खाने वाली हूँ इसके साथ शेयर करके. फाटक दिल्ली में फाटक देखने को नहीं मिलते पता. देयर वाज अ टाइम दिल्ली में फाटक देखने को मिलते थे, विवेक विहार वाला. वी यूज टू स्टैंड ऑन द फाटक. अगर उसे बचना होता था ना देयर वाज अ रास्ता झिलमिल कॉलोनी के नीचे से निकलना स्कूटी से. इट डजंट एक्सिट एनीमोर बट वो लंबा पड़ जाता. इट्स टाइम टू गो होम. राकेश को मैंने छोड़ दिया है और पता नहीं क्यों ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. आई एम ऑन द रूट टूवर्ड्स माई होम. तो 3 घंटे का रास्ता, 3 घंटे कुछ मिनट्स का. आई हैव अ कॉफी आफ्टर क्रॉसिंग दिस ऑल जाम कहीं से. सो यू कैन स्टॉप हेयर इन मिड वे. अब बरिस्ता और सबवे भी है. आई जस्ट पिक्ड अप, आई जस्ट आस्क्ड फॉर अ कॉफी. एक्चुअली आई अभी पिक नहीं कर रही बिकॉज आई रियली नीड टू गो फॉर द वॉशरूम. रियासत होटल किचन एंड किंग मल्टी क्रूजीन रेस्टोरेंट वॉशरूम आर द बैक साइड. इसके बाद सीधा घर पे लगेगा गाड़ी. आई नीड टू चेंज ऑल्सो सबवे एंड द बरिस्ता. लेट्स गो होम नाउ. Well, thank you so much for watching and this is all about a day in Ambala. Hope you like the video. It's very simple. See you next time with the next vlog and next vlog is coming superb awesome. I'm pretty sure about it. Bye-bye.